महादेव बोलो बाबा केदारनाथ की। ये वाले जो पहाड़ है ना, ये टाइम हो रहा है सनराइज हो। बाईस में बहुत बढ़िया हो गए। जय जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं मोहित श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल कायस्थ बुद्धि पर। और आज हमारे साथ है अंकित सर, जिनको हर आप हर महादेव हर हर महादेव अंकित सर, जिनको आप ऑलरेडी वृंदावन वाले व्लॉग में देख चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए उत्तराखंड में। दिल्ली से केदारनाथ की ये पूरी यात्रा जो है, ये पूरी सीरीज में आएगी। अगले 4 से 5 दिन के अंदर आपको बहुत सारी जगहों को देखने का मौका मिलेगा। सबसे पहले तो हम जाएंगे धारी देवी टेम्पल, जो कि रास्ते में आता है। फिर हम पहुंचेंगे केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। उसके बाद हम जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन करने। उसके बाद हमारा प्रोग्राम है, हम तुंगनाथ जी के दर्शन करने जाएंगे। और वापसी में दिल्ली आते समय मैं आपको चौपटा की हसीन वादियों के दर्शन भी कराऊंगा। तो बने रहना इस चैनल पर। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये एक डिटेल्ड वीडियो बनने वाली है। आपको इस पूरी वीडियो के अंदर ये पता चलेगा कि आप दिल्ली से केदारनाथ तक कैसे पहुँच सकते हैं, क्या खर्चा आएगा, होटल का खर्चा क्या है, स्टे करने का खर्चा क्या है, खाने पीने में कितना पैसा खर्च होगा, पूरी चीज़ आपको डिटेल्ड में पता चलने वाली है। और साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन आपको और दे दूं, इस साल क्योंकि केदारनाथ यात्रा पर अगर आप कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हैं, दिल्ली या दिल्ली से बाहर कहीं से भी, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ उत्तराखंड की जो वेबसाइट है चारधाम यात्रा वाली, उस पर रजिस्ट्रेशन करना है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाने से पहले रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, वहाँ पर आपको अपने ईमेल आईडी बनाकर अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि आधार कार्ड, अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और साथ ही साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पर लगाना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, तभी आपको परमिशन दी जाएगी आगे जाने के लिए। तो दोस्तों, आप हिंदुस्तान के किसी भी शहर में भले ही क्यों ना रहते हो, अगर आप जाना चाहते हैं केदारनाथ, तो सबसे पहले आप आ जाइए ऋषिकेश तक। उसके बाद आपको ऋषिकेश से सोनप्रयाग जाने के लिए गवर्नमेंट की बसेस भी मिल जाएंगी, जो कि लगभग 350 से 500 रुपए का उनका किराया है। आप चाहें तो आप टेम्पो ट्रैवलर के थ्रू भी ट्रैवल कर सकते हैं, उसमें आपको 700 रुपये पर पर्सन देना होगा। और अगर आप प्राइवेट टैक्सी के थ्रू जाना चाहते हैं तो लगभग 1000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे पर पर्सन के हिसाब से। तो यार, अभी का प्लान कुछ ऐसा है कि अंकित सर ने मुझे पिक कर लिया है घर से। अब हम जा रहे हैं ऑक्सी होम्स अपार्टमेंट गाजियाबाद में, वहाँ पर हमारे एक सुपर बॉस का घर है। उस अपार्टमेंट में हम अपनी ये पर्सनल गाड़ी को खड़ी कर देंगे। वहाँ पर हमने ऑलरेडी एक कैब बुक कर रखी है, 2 लोग और वहाँ पर आ रहे हैं, टोटल हम 5 लोग जाएंगे। अभी जैसे जैसे आगे आएंगे वो आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा मैं उन लोगों से। तो 5 लोगों का प्लान है, अर्टिगा गाड़ी हमने बुक करी है दिल्ली से। उसके क्या चार्जेस हैं वो अभी मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा, जैसे ये भी जैसे वहाँ पे गाड़ी तक पहुँचते हैं। तो यार, ये है ऑक्सी होम्स अपार्टमेंट्स, यहाँ पर पहुँच गए। तो यार, ये हमारी पर्सनल गाड़ी है जो हमने यहाँ पार्किंग में लगा दी है। ये ऑक्सी होम्स अपार्टमेंट्स हैं, यहाँ हमारे एक बॉस रहते हैं। सर, गुड आफ्टरनून। हर महादेव। तो यार, ये हमारी गाड़ी है, ये वाली गाड़ी है। इसको हमने ऑलरेडी अभी हम बैग अपना सामान वगैरह सारा रख रहे हैं। ये गाड़ी बुक करी है, ब्रांड न्यू अर्टिका है, अच्छी कंडीशन में है, फुल्ली एयर कंडीशन है। बाकी इसके बारे में आपको बता दूंगा क्या चार्जेस हैं। ऊपर सामान रखने के लिए कैरियर वगैरह भी लगा हुआ है। तो जी, टाइम हो रहा है 12:56। एक बज गया निकलते निकलते, और हम अभी पहुंचे हैं राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद। तो जी, फाइनली गाजियाबाद क्रॉस करके दिल्ली मेरठ हाईवे पे पहुंच चुके हैं, और टाइम हो गया लगभग आपका 1:30। लो जी, गंगा जी के दर्शन कर लीजिए। हरिद्वार पहुंच चुके हैं हम लोग, टाइम हो रहा है 4:30। तो अप्रॉक्स 3 घंटे लग गए हमें हरिद्वार पहुंचने में दिन के टाइम में। तो दर्शकों, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, ये पहाड़ी के ऊपर जो मंदिर बना हुआ है, ये 51 शक्तिपीठ में से एक माता मनसा देवी का टेंपल है। जो लोग हरिद्वार से हैं या पहले कभी यहाँ आए हैं, वो अच्छे से जानते हैं इस टेंपल के बारे में।
हरिद्वार पहुंच चुके हैं हम लोग, 3 घंटे से ऊपर का समय लग गया यहाँ पर आने में, और मनसा देवी टेम्पल क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ते हुए यार एक बार जयकारा लगाएंगे भोलेनाथ का, हर हर महादेव, बोल शंकर भगवान की जय, हो बाबा केदारनाथ। तो यार हरिद्वार में ये होटल है चोटी वाला, यहाँ पे रुके हैं अभी लंच ब्रेक के लिए, बिकॉज ऑलरेडी टाइम हो रहा है 4:30, तो अभी हमने सोचा कि यार लंच कर लें बिकॉज भूख ज़्यादा लग रही है और ऑलरेडी सुबह से निकले हुए हैं, तो सबसे पहले यहाँ लंच करेंगे उसके बाद आगे निकलेंगे। तो दोस्तों अभी एंट्री ले ली है हमने राजा जी नेशनल पार्क में उत्तराखंड के अंदर, जस्ट अभी हरिद्वार क्रॉस करके अभी ऋषिकेश में एंटर हुए हैं, और बहुत बड़ा नेशनल पार्क है ये। तो यार ये नीचे हमारी गंगा नदी बह रही है, पीछे की तरफ कहीं लक्ष्मण झूला पीछे की तरफ हम छोड़ के आए हैं, और यहाँ पे लग रहा है जाम। इधर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और ये 15-20 मिनट हो गए हैं अभी जाम लगा हुआ है पूरा। अब देखते हैं ऋषिकेश से निकलने में कितना टाइम लगेगा। यार अभी का सीन कुछ ऐसा है कि 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, अभी तक ऋषिकेश से नहीं निकल पाए हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है ऋषिकेश में, ऑलमोस्ट 90% क्रॉस कर गया है, 10 मिनट में और ऋषिकेश से निकल जाएंगे, टाइम हो रहा है 7, आज रात को पहुंचना है गुप्त काशी, तो अभी और अभी मुझे लगता है यहाँ से 4-5 घंटे मिनिमम आराम से लगेंगे, 12 बजे तक भी अगर हम होटल पहुँच जाएँ तो बहुत बड़ी बात है। बाकी देखते हैं जैसे जैसे शाम हो रही है, जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी पहुंचने की, लेकिन अभी फिलहाल ऋषिकेश से निकल जाएं तो बहुत जल्दी अच्छा होगा। जितने होटल्स के बाहर गाड़ियां खड़ी हुई दिख रही हैं, इससे तो मुझे ये अंदाज़ा लग रहा है कि सारे होटल्स ऑलरेडी फुल चल रहे हैं, और जैसा कि कल 6 तारीख थी, कल कपाट खुल चुके हैं बाबा केदारनाथ के, और जो हमने न्यूज़ में देखा है इस अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, पहले दिन 15,000 लोगों ने दर्शन किए हैं, तो हम तो पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि भीड़ पूरी तरह से मिलने वाली है, और बस बाबा से यही आशा करते हैं कि बस दर्शन बढ़िया से हो जाए हमारे। चलो जी चलो, केदारनाथ 233 किलोमीटर, मतलब एक साइड तो फिर भी ट्रैफिक खुला हुआ है, लेकिन दूसरी साइड आप देख सकते हो बैक टू बैक एक के पीछे एक गाड़ी लगी हुई है, अच्छा खासा क्राउड है, अच्छी खासी भीड़ है, और उसका एक रीज़न ये भी है दोस्तों, सैटरडे है आज, तो वीकेंड्स पे नॉर्मली क्या होता है कि ऋषिकेश हरिद्वार में दिल्ली से और आसपास के शहरों से काफ़ी क्राउड पहुंचता है वीकेंड्स स्पेंड करने के लिए, तो ये भी एक वजह है कि हरिद्वार और ऋषिकेश में इतनी भीड़ है, लेकिन वी आर वेरी मच श्योर के इसके आगे भी श्रीनगर और उत्तरकाशी और केदारनाथ में भी पूरी तरह से ज़्यादा भीड़ मिलेगी। और मौसम देख लो यार, मौसम हो रहा है एकदम मौसम, जितने लोग दिल्ली से इस वीडियो को देख रहे हो, जितने लोग पंजाब हरियाणा यूपी से देख रहे हो, आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोग गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो आप लोगों के लिए इस तरीके का मौसम लेकर आ चुके हैं, एटलीस्ट आप वीडियो में देखकर इस मौसम का, इस हरे भरे जंगल का मज़ा ले सकते हो। वेलकम टू श्रीनगर, और टाइम हो रहा है 9:08, इट्स टाइम फॉर अ क्विक टी ब्रेक। चलो जी भैया चाय पियेंगे फटाफट। हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर, टाइम हो रहा है 9:10। ऋषिकेश जैसे ही क्रॉस किया था अंधेरा हो गया था, तो लाइट बहुत कम थी सड़कों पे, इसलिए कोई ज़्यादा वीडियो बना ही नहीं है, और ये बहुत सही लाइट आई है, ये मदर डेरी आइसक्रीम वाले बड़ी हेल्प कर रहे हैं हमारी। तो दोस्तों अभी का सीन कुछ ऐसा है, 9:10 हो चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर में। रोड्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो भाई साहब दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक एक गड्ढा नहीं है सड़कों पर, पूरी मक्खन सड़क है, और ट्रैफिक भले ही आपको मिल सकता है लेकिन सड़क बहुत बढ़िया है, थैंक्स टू मोदी जी एंड द उत्तराखंड गवर्नमेंट जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है यहाँ पर। अदरवाइज मैं आपको बताऊँ 2019 में यहाँ पर मैं आया था, उस समय भाई साहब बस में आए थे हम लोग, जून का महीना था, 5 तारीख थी, और मतलब ऐसा सीन था उस टाइम पर कि अगर बस की खिड़की खोलो तो धूल मिट्टी अंदर आती थी, और अगर खिड़की बंद कर लो तो सांस नहीं ली जाती थी, इतनी ज़्यादा सफोकेशन थी। और रोड्स इतने बढ़िया कर दिए हैं अब की बार के, मतलब एक नया गाड़ी चलाने वाला भी अपनी गाड़ी लेके आ सकता है। तो यार गुप्त काशी पहुँच चुके हैं, तो यार 11:30 बज रहा है रात के, और हम पहुँच चुके अपने होटल। तो यार सबसे पहले आपको रूम दिखा देते हैं अपने,
गुप्त काशी में होटल माउंट हिल है, बहुत बहुत ज़्यादा बेसिक सा एक रूम है, एक डबल बेड ये लगा हुआ है, एक सिंगल बेड ये लगा हुआ है, दो रूम हमने लिए हैं, तीन लोग यहाँ रुक जाएंगे, बाकी के दो लोग वहाँ रुक जाएंगे, साथ में एक अटैच बाथरूम है यहाँ पर, और बहुत ही एक बेसिक सा बेडरूम है। तो जैसा मैंने कहा था, केदारनाथ में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं मिलती हैं, बहुत बेसिक फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उसी से काम चलाना पड़ता है। तो अभी के लिए सिर्फ यही है, इसी से एडजस्ट करते हैं। दिल्ली से 465 किलोमीटर कवर करके गुप्त काशी पहुंच गए हैं रात को 11:30 बजे। ट्रैफिक बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं मिला, सिर्फ थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिला था गाजियाबाद में, और उसके बाद थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिला था हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर। उसके बाद रोड्स बहुत बढ़िया थे, श्रीनगर तक रोड्स बहुत बढ़िया बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं आई। श्रीनगर के बाद थोड़ा सा एक पैच ऐसा आता है जहां पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक और थोड़ा सा लैंडस्लाइडिंग की वजह से प्रॉब्लम रहती है, अदरवाइज रोड्स बहुत बढ़िया है। 90-95% रोड बहुत बढ़िया बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आने में आराम से आ सकते हो। तो यार अभी देखो टाइम हो गया 12 से ऊपर, हम आए डिनर करने के लिए। सबसे पहले आपके साथ आखिरी बात इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहता हूँ, हमने ये पूरा ट्रिप जो है पर पैकेज के हिसाब से लिया है, ठीक है, पर बंदा 11,000 रुपये इसमें पैकेज में हमें मिला है। इसके अंदर हमें एक अर्टिका गाड़ी मिली है, अगर हम दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं केदारनाथ के लिए, एक दिन का स्टे हमारा गुप्तकाशी में, एक दिन का स्टे केदारनाथ में रहेगा, तीसरे दिन का स्टे रहेगा चोपटा के अंदर। तो 11,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से हमें मिला है ये, और इसके अंदर हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड है, स्टे इंक्लूडेड है, और गाड़ी का जो भी फेयर है वो सब इंक्लूडेड है। तो अगर कोई भी बंदा ऐसी कोई पैकेज लेके टूर करना चाहता है बिना किसी टेंशन के, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अभी के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, डे वन में सिर्फ यही था, दिल्ली से गुप्त काशी तक पहुंच गए, अपने होटल के अंदर चेक इन कर लिया है, कल सुबह निकलेंगे अर्ली मॉर्निंग यहाँ से गौरीकुंड केदारनाथ के लिए। तो अगले व्लॉग में बने रहना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी के लिए इतने रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले किसी व्लॉग में, हर हर महादेव।